अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। सुबह बखैर। और आज हम सुबह सुबह बना रहे हैं मीठी ढोलियाँ, यानी कि हमारे यहाँ सौगात है कि जब भी कोई छोटा बच्चा चलता है, फर्स्ट वो अपना लेता है तो उस पर ढोलियाँ जो है ना वो बनाई जाती हैं मीठी। हम उस पर तो नहीं, लेकिन ये है कि हम जो है ना कर रहे हैं, ढोलियाँ बनाना सीख रहे हैं और इंशाल्लाह आप सबको भी सिखाएंगे। तो आइए चलते हैं फिर ढोलियों की तरफ और वो बनाएंगे। देसी घर का आटा और इसके अंदर कुछ जो है वो बारीक आटा है और कुछ थोड़ा जो है ना वो मोटा भी है। और ये है शक्कर जिसको पानी के अंदर भिगो दिया गया था। और अब ये जो है ना इसके शीरे के साथ ही इस आटे को गूंदा जाएगा। देखिए हमारा आटा गूंदा जा रहा है और इसको हम अच्छे तरीके से गूंद लेंगे, जैसे कि नॉर्मल रोटी के लिए गूंदा जाता है। और फिर उसके बाद जो है ना इसकी ढोड़ियाँ तैयार की जाएंगी। अब हमारा जो आटा है ढोड़ियों का वो मुकम्मल तौर से जो है ना गूंदा जा चुका है। और अब हम इसको रख देंगे ढक कर थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये अच्छे से जो है ना वो जज्ब कर ले अपनी शक्कर को। ये देख लीजिए आप, तैयार होने को है। ये देख सकते हैं आप कितनी ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये जायके में भी इसी तरीके से मज़ेदार है, क्योंकि जो अपनी एक नेचर होती है ना उसका मज़ा ही अलग है। और ये तो हमारा जो है ना वो बचपना है और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। देखिए जी हमारी ढोड़ियाँ माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें, उसकी बरकतें, उसका एहसान, उसका करम जो उसने हमें अता फरमाया, उसका बहुत बहुत एहसान। ये देखिए जी, ये देखिए माशाल्लाह, अब ये हमारी ढोड़ियाँ माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं। और अब हमने इनको क्या करना है, सबको जो है ना वो खिलानी है। तो आप भी बताइए कि आपको कैसी लगी और आपको पता है इनके बारे में, ढोड़ियों के बारे में, या कि आज सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम।